जी पहुंच गए हम घर और मैं अकेले। सामान मैंने रख दिया है सारा गाड़ी में, डुगू का सामान, और यहाँ पे डुगू कॉट है। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि ये मैं अकेले इसको कॉट में बिठा के ले जा पाऊंगी कि नहीं। और मैं शूलिनी की आधी से ज्यादा लड़कियों का क्रश हूँ। मेरे को तो सुन के ही मौत आ गई। मैं तो सच में यार मैं अपनी नस काट लूंगी इस बार। लड़कियां देख रहे हैं। हेलो गाइस, आए आज हम आए हैं शूलिनी और यहाँ पे बल्क में बंदिया। इधर देख, कोई भिंडी कोई टिंडी कोई बैंगन सब है यहाँ पे मौजूद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। डुगू आपने कुछ बोलना है? बोले कुछ? सो अब ये 5-6 मंथ्स का कंप्लीट होने वाला है तो मैं व्लॉग्स इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि बहुत परेशान करने लग गया यार। बच्चे बहुत परेशान कर देते व्लॉग व्लॉग बनाने का, तो बिल्कुल टाइम नहीं देता ही। ये बहुत शरारती हो गया, शरारती के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा मूडी भी हो गया, इसको अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो यस, और मैंने थोड़ा सा वेट लॉस किया है। अगर आपको जानना है, पहले मेरा वेट था 73 kgs, आपने मेरे पहले व्लॉग में देखा होगा, और अब मेरा वेट हो चुका है 64 kgs। सो मैंने थोड़ा सा वेट लूज़ किया है, और अगर आपको जानना है कि कैसे वेट मैंने लूज़ किया है तो मैं फुल डाइट आपका आपको शेयर कर दूँगी और अपना योगा और कार्डियो एक्सरसाइज भी शेयर कर दूँगी। सो यस, आज अभी हम जा रहे हैं इसकी नानी के घर, और अकेले कैसे मैनेज करती हूँ हर चीज़, इसलिए ये व्लॉग बनाया है ताकि इसको भी पता लगे कि मम्मा कितनी मेहनती थी। और मिलती मैं आपको थोड़ी देर में। बैठा है अब दीदी के साथ और मैं जाती हूँ अपना सामान रखने। तो सामान मैंने रख दिया है सारा गाड़ी में, डुगू का सामान, और यहाँ पे डुगू कॉट है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि ये मैं अकेले इसको कॉट में बिठा के ले जा पाऊँगी कि नहीं। सो एज़ यू नो, मेरे जो हस्बैंड है साहिल, वो चले गए हैं और ड्यूटी पे वापस, एंड ही इज़ इन मर्चेंट नेवी, किसी को पता ना हो। तो अब मुझे अकेले ही सब कुछ हैंडल करना होता है, बेबी का हर एक चीज़ अकेले हैंडल करनी होती है। मतलब मेरे सास ससुर भी है, ननद भी है, बट स्टिल एक को पेरेंटिंग में आपको अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। सो इसलिए मैं मतलब आज जा रही हूँ नौनी। तो अभी इसको बिठा दिया है, फटाफट से इसकी सीट बेल्ट बांध रहे हैं। सो हम लोग जा रहे हैं नानी के घर, और डुगू बैठ गया कॉट में बड़ी मुश्किल से, और मैं चला रही हूँ गाड़ी, और अभी ये बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। अकेले ले आई हूँ मैं से यहाँ तक, और ये भी उठने का टाइम हो गया, पूरे रास्ते सोया रहा ये, और मैं पहुँच गई अपने घर। सो जी पहुँच गए हम घर, और मैं अकेली ले आई इसको। आंटी बताए गाड़ी में ना अच्छी कहाँ देख ले डुगू, नानी के घर। ये सारे दिख रहे हैं, झुमके झुमर झुमर सब दिख रहे हैं, दिख रहे ना आपको चारे। बोलो मैं एक ही दंडू नहीं आई, अभी दंडू नहीं आई है। ये
किधर है काला प्राणी दूसरा पहुंच गोदी में बैठ। तो ये देखो बच्चों के कारनामे। डुगू कर रहा है यहाँ पे इंजॉय नानी के साथ, यहाँ की नेचर देख रहा है और किसे नहीं पसंद ये नज़ारे। सो बड़ी मुश्किल से डुगू सो गया है एंड मैं थोड़ा बीच में व्लॉग बनाना भूल गई क्योंकि डुगू को हो रही है टीथिंग और वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहता है। आज हम केमिस्ट के पास गए थे, उन्होंने बोला टीथिंग की वजह से ये बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहता है, इसको कॉन्स्टिपेशन सब कुछ टीथिंग की वजह से है। तो पहली चीज़ जो है वो है यहाँ पे गुजिया, जिसके मुंह पे पानी आ रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड। तो ये देखिए काले जामुन, हाय हाय हाय, मतलब जिंदगी बन गई। लाए समोसे क्योंकि मम्मी की फ्रेंड मीना आंटी आने वाली हैं तो, और वो डुगू से मिलने आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मेरी मम्मी ऐसी है कि सबके लिए करने अपने दिल जान। सो ये है मीना आंटी आ गए हैं और ये लाया है डुगू के लिए प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या लाए हैं। ये है स्वेटशर्ट प्यारी सी और ये है इसका बॉटम, बहुत ही प्यारा है और ये अभी आजकल के टाइम में बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्टली आ जाएगा उसको। सो टीथिंग में बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग और ये व्लॉग मेरा कल से चला हुआ है और मेरा गुजड़ू अभी अभी उठा है और ये देखो ऐसे बनाते सुबह सुबह मुंह, गंदी बात है। मैं इसको जल्दी से नहला देती हूँ। ये देखो ये गंदा बच्चा है, ये देखो कितना गंदा बच्चा है, वो लोती रहती है, ये लोती रहती है, लोती रहती है। सब देख रहे हैं आपको डुगू, सब देख रहे हैं आपको, देखो कितना गंदा बच्चा है, लोई करता रहता है। जी सुधर का अभी जस्ट मार्केट को निकलने लगे हैं। मार्केट तो क्या मतलब डुगू के लिए हमने लेनी है दवाई, टीथिंग की दवाई, और बस वो लेने जा रहे हैं। मैं उसकी कॉट निकाल रही हूँ अभी। हमारी ना तीनों गाड़ियाँ बहुत प्यार से धुल चुकी है और देखो मतलब बहुत प्यार से धो ली है तीनों गाड़ियाँ। ये मेरे पापा की गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी मम्मी की गाड़ी है, एक घर में तीन गाड़ियाँ। So, जैसे इसको बाहर निकालते हैं ये इतना खुश हो जाता है जैसे इसको कुछ हुआ ही नहीं है, कोई टीथिंग नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे चक्का हुआ ना, मेरे को देख रहा है, देखो मजे चोलन घूमेंगे डुगू जाएगी चोलन। घूम ही जाते हैं आप, घूमने को कुछ रहते हैं आप, चच्ची में चच्ची में चच्ची में। लीली लीली क्या बोलते हो आप,
के बुलटू पे होगी हमारी सत्संग कल, और हम देखने आए यहाँ पे वेन्यू, और ये मजे कर रहा है। हाय, चुटुकू हो गया रेडी और हम आ गए हैं सत्संग करने। क्या है मामू? है मामू? मामू देखो, मामू मामू कैसे खेल रहा है। देखो 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 क्या पुरु क्या पुरु क्या पुरु इथे चला गोभी दा फूल बन के। कौन बोलनी जा रही थी? लड़कियां देख रहा है। हेलो गाइस, आए आज हम आए हैं शूली ने, और यहाँ पे बल्क में बंदिया इधर देख, कोई भिंडी कोई टिंडी कोई बैंगन सब है यहाँ पे मौजूद। मैं इसके साथ नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ इनको। मेरा भाई वो बोलता कि शूली ने के आधे से ज्यादा लड़कियों का क्रश हूँ मैं। ओ विशु संभाल के, गाड़ी बज गई तो डेंट पे जाना। मैं पुरु सच में पुरु क्या बोल रहा तू? क्या बोल रहा तू? हेलो गाइस, आई एम कबीर भाटिया, और मैं शूलिनी की आधी से ज्यादा लड़कियों का क्रश हूँ। मेरे को तो सुन के ही मौत आ गई। मैं तो सच में यार, मैं अपनी नस काट लूंगी इस बात पे। अरे इन लोगों को क्या पता गाइस, मैं काटूंगा नहीं, मैं चबाई जाऊंगा अपनी नस। इसको ध्यान से देखो, इतना भी स्मार्ट है ये कि शूलिनी की आधी लड़की का क्रश है? आधी कम बोल दिया सर, 80% 85, बाकी जो 25 बची वो क्या बोलते हैं, 85% के बाद 25% बाकी जो 25 बची उन्होंने मुझे भी देखा नहीं है, सो हो सकता है 100 भी हो सकता है। हाँ गाइस, मैं आज अपने भांजे के साथ आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये अभी से ही एक्सपीरियंस करे, लड़कियों को देखे, अभी से ही सीखे कैसे मतलब देखना इनको कैसे ताड़ना है। अभी ये हमारा एक रियली कहाँ बैठे हुए आप? वो तो कब के चले गए आपको नहीं? ओ जी, मैं सब चले आए कुआरे। तो जी मुझे एक ऑल्टरनेटिव मिल गया है, क्योंकि हर टाइम अब घूमने को ही बोलता रहता है, तो अब हम इसको ऐसे घुमाएंगे। अब इसकी उल्टा, अब इसकी एक नहीं चलेगी, माले चीके।